वेलकम स्टूडेंट्स मैथ्स के और एक क्वेश्चन में आपका स्वागत करते हैं सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है डिसीजन थियोरी तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ डिसीजन थियोरी सिर्फ नाम के लिए थियोरी सब्जेक्ट में है बट आपको मैथमेटिकल सम ही सॉल्व करना है तो क्या है आज का सवाल गिवन द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल फाइंड ऑप्टीमल डिसीजन यूजिंग क्राइटेरिया मैक्सिमिन मैक्सीमिन मैक्सीमैक्स एंड लैप्लास ये तीन क्राइटेरिया है तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स सो ये जो टेबल है ये टेबल को बोलते हैं पे ऑफ टेबल पे ऑफ़ टेबल यानी आप समझ लो कि प्रॉफिट टेबल कोई भी कंपनी होती है तो एक प्रॉफिट टेबल कैसे हो सकता है उसका कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं उनको डिसीज डिसाइड करना पड़ता है डिसीजन लेना पड़ता है तो ये वो टाइप का एक टेबल है फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस टेबल अभी ये टेबल में कैसे है कि इन दिस टेबल सपोज कोर्स ऑफ एक्शन कंपनी हैज़ टू टेक एक्शन ए वन ए टू ए थ्री उसके पास तीन ऑप्शन है कोई कंपनी है उनके पास एक्शन ए वन ले सकते ए टू ले सकते ए थ्री ले सकते हैं स्टेट ऑफ नेचर अलग अलग कंडीशन में उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है उसका एक टेबल उन्होंने यहाँ पे बनाया है वो एक्चुअली मार्केट रिसर्च के बाद वो वैल्यूज़ आपको मिलते हैं लेकिन ये सब में आपको सिर्फ मैथेमेटिकल ईजी कैलकुलेशन करना है तो वो टेबल यानी क्या है पे ऑफ टेबल फॉर एग्जाम्पल ए वन ए वन एक्शन लिया इन स्टेट ऑफ नेचर एस वन एस वन कंडीशन के टाइम तो ट्वेंटी रुपीज़ प्रॉफिट होगा ट्वेंटी रुपीज इन द सेंस ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी करोड़ ऐसे वो वो प्रपोर्शन में प्रॉफिट होगा तो अकॉर्डिंगली ये टेबल फॉर्म करके आपको ऑलरेडी दिया है आपको क्या करना है ये तीन क्राइटेरिया है उसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा एक्शन ए वन ए टू ए थ्री तीनों में से कौन सा एक्शन लेना है दैट यू हैव टू डिसाइड तो अभी ये तीन क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग माइंड है मैक्सीमिन मैक्सीमैक्स लैपलस अभी मिनिमम मैक्सीमिन मिनिमम यानी जो कम से कम फ़ायदा किधर है वो सोचता है मैक्स यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किधर है वो ये सोचता है लैपलास लैपलास इज अ नेम ऑफ स्टेटिस्टेशन हैज इन्वेंटेड दिस तो लैपलास क्या बोलता है कि मुझे ऑन एन एवरेज प्रॉफिट जिधर ज्यादा है वो मैं चूज करूंगा ठीक है सो so, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन एकदम सिंपल से सिंपल होना चाहिए होने वाला है कि ये क्वेश्चन में एक जस्ट टेबल बनाओ तीन सेंटेंसेस लिखो आपको जितने भी क्वेश्चन के जितने मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी इसमें क्वेश्चन नंबर ए एंड बी को अगर दे, देखेंगे आपको तो ए एंड बी में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू ए थ्री जो है वो यहाँ पे कैसे दिख रहा है आपको ऐसे हो दिख रहा है राइट और जो एस वन एस टू एस थ्री जो यहाँ पे है वो होरिजोनटल है तो ये जो चेंजेस दो क्वेश्चन में है बिकॉज ऑफ दिस टू द सोल्यूशन टेबल विल बी डिफरेंट तो अलग अलग टेबल होने वाला है तो स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अभी फर्स्ट क्वेश्चन का ये ब्लैंक टेबल है ये ब्लैंक टेबल क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया अभी आपको क्या करना है ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू ए थ्री अगर सपोज ये ऐसा आपको रो में दिख रहे हैं, तो उसके आगे रो को एक्सटेंड करो वहाँ पे आपका सोल्यूशन है सोल्यूशन में क्वेश्चन कितने हैं वन टू थ्री तो मैंने वन टू थ्री थ्री एक्स्ट्रा कॉलम्स प्रिपेयर किए तो ये फर्स्ट जो मेरा आंसर रहेगा वो फर्स्ट कॉलम का वो फर्स्ट कॉलम में रहेगा सेकेंड कॉलम में मेरा सेकेंड का आंसर रहेगा एंड थर्ड में थर्ड का आंसर रहेगा ठीक है ओके okay. तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है मैक्सीम तो इसका जो ये सेकेंड वर्ड है ना मैक्सीमीन तो ये सेकेंड वर्ड दैट इज़ इम्पोर्टेंट तो मुझे क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को नहीं वैल्यू नहीं लिखने का पे ऑफ लिखने का पे ऑफ़ यानी प्रॉफिट वैल्यूज़ सो मिनिमम पे ऑफ मिनिमम पे ऑफ मीन्स वॉट ये भी ये फर्स्ट रो है उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है ट्वेंटी एटी नाइन्टी फाइव में से ट्वेंटी इज द मिनिमम वैल्यू नेक्स्ट फोर्टी जीरो सिक्सटी फोर्टी जीरो सिक्सटी में से मिनिमम वैल्यू इज़ जीरो वेरी गुड सिक्सटी फाइव थर्टी फाइव थर्टी एंड फिफ्टी फाइव विच इज़ द मिनिमम वैल्यू थर्टी इज़ द मिनिमम वैल्यू ये हो गया फर्स्ट आंसर आया नहीं अभी तक फर्स्ट कॉलम हो गया सेकेंड सेकेंड में क्या है मैक्स मैक्सीमैक्स मैक्स में सेकेंड क्या है ये मैक्सिमम तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैक्सिमम पे ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ तो मैक्सिमम पे ऑफ अब ये सेम तीन नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है ट्वेंटी एट्टी नाइन्टी फाइव में से सो नाइन्टी फाइव इज मैक्सिमम फोर्टी जीरो सिक्सटी सिक्सटी इज मैक्सिमम एंड सिक्सटी फाइव थर्टी फिफ्टी फाइव वॉट इज द मैक्सिमम सिक्सटी फाइव इज द मैक्सिमम ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का कॉलम थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए लैपलास लैपलास या मैथेमेटिशियन क्या बोलता है मुझे एवरेज पे ऑफ चाहिए एवरेज पे ऑफ वॉट डू आई वांट एवरेज पे ऑफ तो एवरेज पे ऑफ एवरेज कैसे निकलते हैं ये थ्री नंबर्स का एवरेज कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स हाउ टू कैलकुलेट एवरेज सो यू हैव टू ऐड दिस थ्री नंबर्स तो वो तीनों नंबर को ऐड करो ट्वेंटी प्लस एटी प्लस नाइन्टी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू लेट मी डू इट ऑन कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे करता हूँ ठीक है क्या चाहिए मुझे ट्वेंटी प्लस एटी प्लस नाइन्टी फाइव इज इक्वल टू वन नाइन्टी फाइव अपॉन थ्री विच इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय थ्री करो क्या आंसर आएगा सिक्सटी फाइव आपका आंसर आया सिक्सटी फाइव सिमिलरली फॉर सेकेंड दिस इज फोर्टी प्लस सिक्सटी क्या आया फोर्टी प्लस सिक्सटी दिस इज फोर्टी प्लस ज़ीरो प्लस सिक्सटी डिवाइडेड बाय थ्री दिस इज हंड्रेड अपॉन थ्री न हंड्रेड अपॉन थ्री सो वॉट इज़ ये इजी था इसके लिए डिरेक्टली किया वो भी डिवाइडेड बाय थ्री भी ओरली कर सकते आप सो दैट इज़ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थर्ड थर्ड क्या है सिक्सटी फाइव थर्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव प्लस थर्टी प्लस फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाय थ्री सिंपल है ना क्वेश्चन ऐड करो सिक्सटी फाइव प्लस थर्टी प्लस फिफ्टी फाइव इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिवाइडेड बाय थ्री वट इज़ द वन फिफ्टी को डिवाइड बाई थ्री करेंगे तो क्या आएगा आंसर फिफ्टी आने वाला है ठीक है द आंसर इज फिफ्टी ओके तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया ठीक है सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टेबल अब ये टेबल में से आंसर कैसे मिलेगा ये टेबल में से आंसर ऐसे मिलेगा देखो फर्स्ट फर्स्ट क्या बोला है मैक्सीमिन क्राइटेरिया ना मैक्सीमिन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट मैक्सिमम ऑफ मिनिमम तो ये जो तीन वैल्यूज़ है ना वो मिनिमम वैल्यूज है उसमें से मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए मैक्सिमम कौन सा वैल्यू चाहिए मैक्सिमम तो मैक्सिमम को आपको क्या करना है सर्कल करना है मैक्सिमम वैल्यू को सर्कल है इसमें से मैक्सिमम कौन सा है थर्टी तो मैंने उसको सर्कल कर दिया सेकेंड मैक्सीमैक्स मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम तो फिर से यहाँ पे भी जो तीनों है उसमें से मैक्सिमम कौन सा है नाइन्टी फाइव ठीक है और ये जो एवरेज है उसमें से भी मैक्सिमम जो है उसको तीनों में से मैक्सिमम आपको चूज करना है तीनों जो कॉलम है फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन तीनों में से क्या चूज करो मैक्सिमम फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम कौन सा है थर्टी विच इज़ बिलोंग्स टू विच एक्शन ए थ्री तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया ए थ्री सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सेकेंड क्वेश्चन नाइन्टी फाइव है ना नाइन्टी फाइव बिलोंग्स टू ए वन तो मेरा आंसर आएगा ए वन थर्ड थर्ड क्वेश्चन का आंसर सिक्सटी फाइव विच इज बिलोंग्स टू अगेन ए वन तो देखो सेंटेंस क्या है मैक्सीम क्राइटेरिया द बेस्ट डिसीजन इज टू चूज एक्शन ए थ्री ये सेंटेंस आपको सिर्फ याद रखना है एग्जाम में आपको ये सेंटेंस नहीं देखेंगे दे, देंगे यू हैव टू रिमेंबर दिस सेंटेंस ठीक है बस सिंपल टेबल बनाया थ्री सेंटेंस लिखे जितने भी मार्क्स है ये को उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे ठीक है अभी सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं तो अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन में देखो ये जो टेबल है अभी ये टेबल में ए वन ए टू यहाँ पे ऐसे कॉलम में है ना तो उसके सामने उसको ही एक्सटेंड करो यहाँ पे मैंने ए वन ए टू ए थ्री को ऐसे एक्सटेंड किया अभी आप उसको ऐसे एक्सटेंड करो फर्स्ट फर्स्ट क्या है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट मिनिमम पे ऑफ मिनिमम पे ऑफ सेकेंड क्या आएगा सेकेंड मैक्सिमम पे ऑफ पे ऑफ कहाँ से आ रहा है ये मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से आया और थर्ड क्या है आपका थर्ड एवरेज पे ऑफ ठीक है सिमिलरली अभी ये फर्स्ट ए वन में चेक करो मिनिमम वैल्यू ये तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है थर्टी फाइव हंड्रेड एंड थर्टी एट सो थर्टी फाइव इज मिनिमम विच इज़ द मिनिमम वैल्यू फिफ्टी एट इज मिनिमम विच इज़ द मिनिमम थर्टी इज मिनिमम तीनों में से मिनिमम अभी मैक्सिमम देखो तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है मैक्सिमम थर्टी फाइव हंड्रेड एंड थर्टी एट सो मैक्सिमम इज़ हंड्रेड इसमें मैक्सिमम वन ज़ीरो फाइव इसमें मैक्सिमम कौन सा है नाइन्टी वन एवरेज एवरेज कैसे निकालेंगे थर्टी फाइव प्लस हंड्रेड प्लस थर्टी एट डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करो थर्टी फाइव प्लस हंड्रेड हंड्रेड प्लस थर्टी एट इज इक्वल टू वन सेवनटी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री वन सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे तो कितना आएगा फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स सेवन फर्स्ट आंसर क्या आएगा फिफ्टी सेवन पॉइंट ये जो सिक्स सिक्स है ना दैट विल बिकम सिक्स सेवन सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में दिस थ्री नंबर्स यू हैव टू एड फिफ्टी एट प्लस 95 फाइव प्लस वन ज़ीरो फाइव डिवाइड व्हिच थ्री विच इज़ इक्वल टू वन सेकेंड फिफ्टी एट प्लस 95 फाइव प्लस वन ज़ीरो फ़ाइव इज इक्वल टू टू फिफ्टी एट टू फिफ्टी एट डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री कितना होता है एट्टी सिक्स इज़ द आंसर और थर्ड में कैसे करेंगे दिस थ्री नंबर्स फोर्टी फाइव प्लस थर्टी प्लस नाइन्टी वन डिवाइडेड बाई थ्री विच इज़ इक्वल टू फोर्टी फाइव प्लस थर्टी प्लस नाइन्टी वन विच इज़ इक्वल टू वन डबल सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री सो आंसर वॉट इज़ द आंसर डिवाइडेड बाई थ्री करो क्या आया फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री थ्री ठीक है अभी आपको क्या करना है सर्कल करना है सर्कल कैसे करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कौन चाहिए मैक्सिमम फर्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर कौन सा है फिफ्टी एट इज़ मैक्सिमम उसका चेंज कलर करता हूँ फिफ्टी एट तो ये 58 को सल कर किया सेकेंड क्वेश्चन में मैक्सिमम कौन सा है 105 थर्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर क्या है 86 सिक्स अभी इंसीडेंस कोई इंसिडेंसली यहाँ पर तीनों भी एक ही मैच हुए हैं ऐसा हमेशा नहीं होता है अलग अलग आंसर भी आपको मिल सकता है तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे आपको मैक्सीम क्राइटेरिया द बेस्ट डिसीजन इज टू चूज एक्शन फर्स्ट में एक्शन क्या है ये बिलोंग्स टू ए तो यहाँ पे आएगा आंसर ए टू सेकेंड के लिए वन जीरो फाइव बिलोंग्स टू ए टू तो ए टू आंसर आया थर्ड के लिए एटी सिक्स बिलोंग्स टू ए टू तो तीनों भी आंसर ए टू हमेशा ऐसे तीनों भी आंसर सेम नहीं आते कभी कभी ऐसे हो सकता है ठीक so, है सो एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ ये दो टाइप के टेबल आपको याद क्या रखना है ए वन ए टू ए थ्री अगर ऐसे आते हैं तो आप उसको ऐसे एक्सटेंड करो ए वन ए टू ए थ्री अगर कॉलम में आते हैं तो उसको नीचे एक्सटेंड करो और ये टेबल फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कॉलम इसमें से मैक्सिमम ढूंढो इसमें से मैक्सिमम ढूंढो इसमें से मैक्सिमम फाइंड करो फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो मैक्सिमम तीनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करो वो बिलोंग्स टू जो भी एक्शन रहेगा दैट एक्शन यू हैव टू राइट डाउन एज फाइनल आंसर ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते ऑल द बेस्ट